सोलन में किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर किसानों ने पुराने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अन्य राज्यों की तर्ज पर सोलन में किसानों की संख्या बेहद कम नजर आई, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल में किसान आंदोलन का इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा है। सोलन में हुए इस प्रदर्शन में किसान कम और मजदूर संगठन के सदस्य ज्यादा देखने को मिले, जो केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा भारी पुलिस भी मौके पर तैनात की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने शांतिप्रिय ढंग से अपना रोष प्रकट किया। अधिक जानकारी देते हुए एनडी रनौत सीटू जिला महासचिव नीतीश ठाकुर ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार किसानों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसी भी सूरत में किसानों की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। इसलिए आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा हिमाचल किसान सभा के साथ मिलकर सोलन में प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार का रवैया यही रहता है तो उनके द्वारा आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसमें धरना प्रदर्शन के साथ साथ चक्का जाम भी होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों को पूंजीपतियों के हाथों बेचना चाहती है, लेकिन किसान किसी भी सूरत में ये होने नहीं देंगे। सोलन में ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये दिल्ली में और पूरे देश में जो पिछले 72 दिन से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिलों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को, उसकी मांगों को सुनने की बजाय सरकार जो है उस आंदोलन को दमन करके, उसको भटका करके खत्म करना चाहती है, जिसके खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में चक्का जाम और विरोध करने का फैसला आह्वान किया। उसी कड़ी में आज सोलन में हिमाचल किसान सभा और दूसरे साथी मिलकर के किसानों के समर्थन में जो कृषि कानून पारित किए गए हैं उसको रद्द करवाने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर अगर सरकार इसी तरीके से अड़ियल रवैया रहा तो जरूर सोलन में भी चक्का जाम होगा, उसके लिए किसान तैयार हो रहे हैं। देखिए, आज ये पूरा दिन हमारा धरना प्रदर्शन जो है चलने वाला है, और हो सकता है आने वाले समय के अंदर हम जो यहाँ पर जो है वो लगातार धरना जो है वो वहाँ इसको जो है वो शुरू करें, और हो सकता है दो चार दिनों के अंदर हम जो इसको इस धरने को जो है वो रोजाना जो है यहाँ पर जो शुरू करें।